समुदाय जैबीम सम्मान एक अधिकार में आज गाजियाबाद और नोएडा के बीच में अस्पताल है 14, और हमारे साथ बाबूजी डॉक्टर साहब हैं हमारे, जो त्याग पुरुष, धन पुरुष, काबिल पुरुष और MBBS डॉक्टर सीताराम कटारिया जी पूर्व राज्य चिकित्सा आयुक्त हैं, और साहब से सभी लोग परिचित हैं या नहीं मैं नहीं कह सकता। डॉक्टर कटारिया जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, और आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ डॉक्टर साहब कि आप सम्मान एक अधिकार को टाइम दे रहे हैं। साथियों, डॉक्टर साहब का इतना बड़ा त्याग है कि इन्होंने जो मुजफ्फरनगर है, मैं घूमने के लिए गया था, वहाँ पर एक शुक्रताल है जो हिंदू नगरी है पूर्ण रूप से, और उसी के अंदर जो बुद्ध विहार बनाया था। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में, और अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए डॉक्टर साहब। धन्यवाद देवेंद्र गौतम जी। मैं डॉक्टर सीताराम कटारिया, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में एक गांव है किनोनी, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, और मैंने आगरा से MBBS किया 76 में जी। उसके बाद में मैंने 34 साल ESI कॉरपोरेशन में सर्विस की, और वहाँ से एज ए मेडिकल केमिस्ट रिटायर्ड हूँ मैं, और अब मुझे 13 साल हो गए हैं रिटायर को, और मैं अब थोड़ा सा मैं ये अपना समाज। आपकी फैमिली में कौन कौन है सर? मेरी फैमिली में मेरी वाइफ हैं और मेरे 3 लड़के हैं, तीनों इंजीनियर हैं, और बहुएं मेरी 2 डॉक्टर हैं, एक रेलवे में डायरेक्टर है, और सब संपन्न परिवार है मेरा। जी जी जी। और फिर मैंने सोचा ये, मैंने कहा अब मेरे बच्चे कामयाब हुए हैं सारे, ये सब तथागत भगवान गौतम बुद्ध की अनुकंपा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो उनका त्याग है, उनसे हमने कुछ हो गया, तो अब हम उन इसका जो हमारे पे बैक टू सोसाइटी जो है, हमें इस कार्य में। बाबूजी, मैं वहाँ सर्वे करके आया था, मुझे ये बताइए कि आपको वहीं पर बुद्ध विहार बनाने की ऐसी क्या मन में जिज्ञासा थी कि मुझे बुद्ध विहार यहीं बनाना है? ऐसा है जी, शुक्रताल एक पौराणिक महाभारत नगरी है, और वहाँ पर हमारे हिंदुओं के बहुत सारे धर्मशालाएं हैं, मंदिर हैं। हाँ, सदगुरु रविदास जी का भी है। रविदास जी का भी है, और एक और उनका बन रहा है, तो मैंने सोचा कि एक हमारा जो एक्सक्लूसिव जो बौद्ध विहार है वो नहीं है। फोटो मूर्तियां तो लगा रखी है बाबा साहब की एक दो जगह, लेकिन कुछ वो जो है ना एक तरह से एक्सक्लूसिव नहीं है। तो मैंने सोचा कि हम अपने इसका धम्म का प्रचार अब मैं यहीं से करूँगा, इसलिए मैंने वहाँ पर वो भी जगह वहाँ मिल नहीं। कितनी जगह है वो बुद्ध विहार की? वो जगह मेरी 2000 गज, 2.25 बीघे जमीन है जी, जी। कई प्लॉट उनमें मिला मिलो के मैंने पूरी की है जी, जी। तो मैं वो आपकी अपनी है या ग्राम समाज की है? नहीं नहीं, वो अपने लोगों की, फिरोजपुर गांव है उनकी थी, लेकिन मैंने अपने पैसे से, खुद मेरा रिटायरमेंट का पैसा था, मैंने उससे वो उसकी रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री मेरे नाम है। अब उसका ट्रस्ट बना दिया आपने? हाँ, एक ट्रस्ट बना रखे, एक तो बहुत बड़ा ट्रस्ट है जी, जी, वो जी। बना हुआ। अब वो रजिस्टर्ड है बिल्कुल? हाँ, रजिस्टर्ड है बिल्कुल। 7 तारीख का ये कार्यक्रम है, 7 तारीख के अंदर कौन कौन अतिथि आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम विषय है, इसके विषय में बताइए। देखिएगा, 7 तारीख का ये, अभी मैं चाह तो मैं ये रहा था कि ये मेरा बौद्ध विहार जो है ना एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद मैं एक बढ़िया सा और कार्यक्रम करूं जिसमें सब लोगों को बुलाऊं, लेकिन अभी जो है ना मेरे पास जो है ना कुछ बनते आए, उन्होंने कहा कि हम यहाँ कार्यक्रम करना चाहते हैं और हमें ये जगह दे दो, तो मैंने कहा भाई, पहले उनका कार्यक्रम दिल्ली में था लेकिन फिर उन्होंने यहाँ रख लिया, तो वो जो है ना वो ये अब बाबा साहब की 133वीं जयंती मनाने के उसमें उनका वो था कि हम ये यहाँ मनाना चाहते हैं, तो मैंने उनको इजाज़त दे दी। अब बाबा साहब की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में 133 फुट केक वहाँ पर बनेगा, वही बनेगा और वो कटेगा उसको, तो धम्मा हॉल वगैरह, विपश्यना सेंटर वगैरह कुछ चलेगा? हाँ यस, उसी जगह जहाँ पर ये टेंट लगेगा वहीं पर हमारा जो है ना एक धम्मा हॉल बना रहा हूँ मैं, 60x40 फुट का जी, जी। और उसका भूमि पूजन उसी दिन होगा जी जी जी, भंते जी के द्वारा। हाँ, भंते जी के द्वारा, और जितने भी हमारे और गणमान्य व्यक्ति आए हैं जी,
उनके द्वारा। तो इसका कार्यक्रम क्या बजे से क्या बजे तक रहेगा? हमारा ही कार्यक्रम 10 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगा। अच्छा बाबू जी, एक बात और बता दीजिए, क्योंकि जो लोग हैं वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर आएंगे, आने वाले वक्ताओं का नाम बताइए, इसमें कौन कौन है? वक्ता का तो हमें अभी भी है, थोड़ी सी लिस्ट बनी नहीं है, बना रहे हैं। मुख्य वक्ता जो चीफ गेस्ट है, एक तो यहाँ के राजेंद्र पाल गौतम जी जो कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली के थे, जी जी, वो आ रहे हैं जी। और एक अभी अनिल कुमार जी हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हुए हैं जी। और अभी जो है ना हमारी ये डॉक्टर अतुल कृष्णा बोध जी से संपर्क हुआ है, कंफर्म नहीं होने हुआ, नहीं कंफर्म हुआ, हाँ अगर वो आ जाएंगे तो हमारे कार्यक्रम को और 4 चांद लेंगे। डॉक्टर अतुल कृष्णा बोध कंफर्म है, संस्थापक सुभारती यूनिवर्सिटी, अनिल कुमार गौतम जो है वो मुजफ्फरनगर के अभी वर्तमान में जो है वो कैबिनेट मंत्री बने उत्तर प्रदेश सरकार में, और राजेंद्र पाल गौतम पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार में रहे हैं। और भी सभी व्यक्तियों को वहाँ चांस दिया जाएगा जो भी अपनी बात रखना चाहे। भंते अतिथि कौन होंगे इसमें मुख्य, जो भूमि पूजन करेंगे भंते? भंतों की अभी लिस्ट बन रही है, जी जी जी, 7 तारीख का टाइम कम रह चुका है आपके पास? हाँ कम रह चुका, बस खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, सब आने जाने का क्या व्यवस्था है? भंडारा चलेगा जी जी, भोजन दान, भंडारा नहीं, भंडारे भोजन दान जी जी। और इसमें कोई भी लोग बाहर से डोनेशन देना चाहे कि भाई या किस तरीके से होगा? ये उनकी इच्छा है, वही आके या पेटीएम या कोई अकाउंट नंबर? नहीं अभी हमने वो नहीं किया, लेकिन ये अम्बेडकर जयंती मनाने का जो एक आयोजक समिति, ये अभी बाबा साहब की जयंती, साथियों मैं आपको बता दूं ये विपश्यना सेंटर बन रहा है हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बाबा साहब की एक विचारधारा होगी, वहां जयंती नहीं है क्योंकि पहला पर्चा गलत छप गया था 14 बाबा साहब की जयंती का, तो बाबा साहब की जो जयंती है वो जन्म के बाद मनाई जाती है, किसी की भी जयंती है तो वो एक शाम बाबा साहब के नाम है वहाँ पर। तो आप सब लोग इसके अंदर आए और ज़्यादा से ज़्यादा कटारिया साहब का सहयोग करें, क्योंकि मैं पहले भी वीडियो शेयर कर चुका हूँ, और अब सभी से ये निवेदन है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी लोग इसमें धम में दान करना चाहते हैं वो बाकायदा वहीं आकर कार्यक्रम में हिस्सा लें और दान करें। कटारिया साहब ने जो ये त्याग दिया है समाज के लिए, कि एक मिसाल है वहाँ पर कि जहाँ पर चारों ओर से बैठे हैं और वहीं बुद्ध समाधि है, तो ये भगवान बुद्ध की उत्पत्ति है। और आप सब लोग इसमें मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, बागपत, सहारनपुर, दूर दूर से लोग वहाँ पहुँचेंगे। मेरा सभी मेरे मित्रों से ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बुद्ध विहार पर पहुँचेंगे। शुक्रताल सिंपल रास्ता है, अगर आप दिल्ली मेरठ से, दिल्ली से या मेरठ से आते हैं तो नहर आइए सीधा का सीधा, और मुजफ्फरनगर वालों को पता ही है भोपे का पुल बोलते हैं ना उसे, भोपे का पुल बोलते हैं उसे, भोपे का पुल, तो उस पर आप सीधे हाथ को आएंगे सीधा शुक्रताल में, खुशबू बहुत अच्छी मिलेगी आपको, आप आइए, सभी का स्वागत है। बुद्ध वंदना होगी, धम्म देशना होगी, प्रवचन होंगे, भक्ति होंगे। ठीक है साहब, और कुछ स्पेशल कहना हो? नहीं बस लोगों से निवेदन करना, यही लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और हमारा मार्गदर्शन भी करें जो हुआ है, और उसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद आपका, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय श्री।